तो मॉर्निंग का स्टार्ट होता है हेल्थी फूड खाते हुए, जो कि अप्पे थे जो टेस्टी होते जल्दी बन जाते। फिर मैं कॉलेज चल पड़ी आधा घंटे डिसाइड करने के बाद कि कॉलेज जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि आज सेमिनार होने वाला है और हनुमान जयंती है तो शायद क्लासेस नहीं लगेंगी। बट फिर भी मैंने बोला कि यार अटेंडेंस कम है तो कॉलेज तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 75 अटेंडेंस कम रहेगी तो फिर तो लोचा ही है। फिर मैं चलते चलते टिक 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 10-15 मिनट तो मुझे सिर्फ कॉलेज ही जाते लगता। फिर कॉलेज गई तो देखा कि लोग टेस्ट दे रहे थे। फिर मैंने इनको बताया कि सारे जो स्टूडेंट हैं अदर क्लास के वो नीचे जा रहे हैं। बेचारे इतने खुश हुए कि अब टेस्ट ना देना हो पड़ेगा, तो सब अपना बैग पैक करके नीचे चल पड़े। लेकिन फिर अनुश्री को मस्ती सूझी तो उसने बबली को परेशान करना सोचा, क्योंकि आज बबली हैप्पी बर्थडे पे हनुमान के बाल धुल के आई है। फिर सब कंफर्मेशन करने के लिए ये बात सही है कि नहीं कि हमको नीचे जाना है करके आए। फिर हम लोग चल पड़े, सबसे पहले मेहर गया, फिर उसके बाद हम लोग पीछे पीछे जा पड़े। आदेश बता रहा था कि उसने रात भर नहीं सोया, पता नहीं क्या करता रहता है ये लड़का। और इन लोग कर रहे थे डिस्कशन पता नहीं किस बात पे। फिर हम नीचे आए तो देखा सेमिनार की प्रिपरेशन चल रही है, ये दोनों लेट हो गए थे। मैं वीडियो बना ठहर नहीं, फिर टाइम वेस्ट हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉच आवर बढ़ा लूँ सेजल के फ़ोन से। तो ये रही सेजल और मैं ब्लॉग बनाते हुए। बट पता नहीं क्या, अब हम कहाँ चल पड़े, हम नीचे चल पड़े जहाँ पे हनुमान की, डॉक्टर हनुमान की मूर्ति है। फिर उनको फ्लावर चढ़ाए सब बस धूप में खड़े थे तो सबको धूप लग रही थी। कुछ को तो टैनिंग होने का डर था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो सब छाँव में धीरे धीरे आ गए, मैं भी आ गई। फिर मैंने परम से फ़ोन लिया कि यार तेरा फ़ोन दे दे, तेरे फ़ोन से अच्छी आती है, कम से कम लोगों के चेहरे सही तो नज़र आते हैं। फिर परम से फ़ोन लेते हुए मैंने ब्लॉग बनाया तो ये बेचारी पता नहीं शर्मा रही थी। तो फिर मैंने बोला हाय परम, तेरा फ़ोन है तो तेरे को आना तो बनता है। तो परम का भी वीडियो बनाया, हनुमान डॉक्टर हनुमान को सब लोग एक एक करके माला चढ़ाए रहे थे फूल की। फिर उसके बाद हम लोग को ये डिस्कशन स्ट्रेस हो रहा था, सब डिस्कस कर रहे थे कि आज होगा कि नहीं। तो मैम से पूछा इन लोग ने कि क्लास लगेगी नहीं, तो मैम ने बोला सेमिनार के बाद देखते हैं। तो फिर हम चल पड़े, आज हम थर्ड ईयर में बैठेंगे, थर्ड ईयर क्लास में बैठेंगे क्योंकि वहाँ पे ही सेमिनार होने वाला है। इंटर्नशिप जो मैम और सर हैं वो देंगे सेमिनार। तो फर्स्ट सेमिनार था मैम का, जिस पर मैम ने हम लोग को डॉक्टर हनुमान के बारे में बताया। और फिर उसके बाद टॉपिक आया मेनोपॉज कि ये क्या होता है और कैसे स्टार्ट होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। फिर जो फीमेल रेमेडी हैं जैसे पल्सेटला, सीपिया, शाइलेशिया, वो मैम ने बताया। तो इसमें बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई थी मैम ने, क्यूट क्यूट, तो उस पर सब हंस रहे थे और मैं चुप्पी चुप्पी से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जब खुश तो सब हो गए, तब समोसे और लड्डू देखे कि आज तो भाई मज़ा आ गया, समोसे मिलेंगे। फिर मैम का लास्ट सेमिनार था जिस पर मैम ने बताया आफ्टर लेबर पास्चुरेशन, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी कैसे होती है, उस पर सेमिनार था मैम का। बट हम लोग वेट कर रहे थे समोसे के, तीन बार RTI और वो उनने सबसे पहले पीछे समोसे दिए, हम लोग वेट कर रहे थे कब आएंगी मैं और सेजल। फिर सेजल बता रही थी कि क्या क्या है। फिर हम लोग का सेमिनार में भी ध्यान था और समोसे पे भी, हम लोग कभी सेमिनार देखें कभी समोसे। फिर से हम लोग को समोसा नहीं मिला। चलो ठीक है, फिर मैंने खुद को शूट करते हुए, खुद को नहीं मतलब खुद का ब्लॉग बनाते हुए कैमरे को साफ करते हुए फिर से देखा कि अब तो सेमिनार मिलेगा, तीन बार आने के बाद भी नहीं मिला। फिर मैंने बोला सेजल अब आए तो तू ले लेना, तो फाइनली शायद हमको इस बार मिल जाए। इस आशा में हम लोग बैठे रहे और समोसों की तरफ और सेमिनार की तरफ देखते रहे, फाइनली समोसा मिल ही गया। तीन समोसे, तीन प्लेट ली थी, अंजलि के लिए, मेरे लिए और सेजल के लिए। फिर एट लास्ट में फ़ोटो सेशन हुआ जिसके बाद हमारी छुट्टी। आदर्श को स्टोन निकले, तीन MM का रीनल स्टोन होगा। हे प्रभु। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।